मैं कोई अंधविश्वास की बातें नहीं करना चाहता हूँ। आपको कुछ अनुभव किए हुए वैज्ञानिक सूत्र देता हूँ, आप स्वयं अनुभव करो, इतनी सी समझ की जरूरत है। लेकिन अब तक धर्म के नाम पर यही समझाया जाता रहा है कि तुम मिलो, उनके चरण छुओ और वो जादू कर देंगे। चर्च में जाओ, पोप से प्रमाण पत्र लेते रहो, संडे की प्रार्थनाएं करते रहो, स्वर्ग का दरवाजा खुल जाएगा मरने के बाद। जीते जी वो तुम्हें कुछ नहीं प्रॉमिस करते, क्योंकि जीते जी तो पता चल जाएगा कि तुम्हें कुछ नहीं मिल रहा है। दे प्रॉमिस यू सर्टिफिकेट्स ऑफ गोइंग टू हेवन आफ्टर दिस डेथ, बट नथिंग फॉर दिस लाइफ। आई एम ऑफरिंग यू द की टू हेवन व्हाइल लिविंग ऑन दिस अर्थ। इस जीवन पर रहते हुए स्वर्ग का चाबी देना चाहता हूं तुम्हें, लो, कुछ छिपा के नहीं, खुल्लम खुल्ला। मैंने कहा जो व्यक्ति जितना ही अधिक आनंदित रहता है, उसकी मनचाही ये चीज़ें उतना तेजी से उसकी ओर आकर्षित होती हुई चली आती हैं। और जब तुम आनंदित होते हो तो तुम वर्तमान में आ जाते हो। तो इसको उल्टा भी कोशिश करो, तुम आनंदित होने की कोशिश करो। तुम आनंदित होने का अभ्यास करोगे तो वर्तमान में आ जाओगे। जैसे कहते हैं, दुइनो संगन हो ही भुआलू, हसब ठेठाई फुलाऊ गालू। ठहाके लगा कर हंसना और गाल भी फुला कर रखना, दोनों संभव है? नहीं संभव है। तो तुम आनंदित भी रहो और प्रेजेंट में न रहो, ये संभव है? असंभव है। तो वर्तमान में होने के लिए तुम एक काम और भी कर सकते हो, बहाने ढूंढ ढूंढ कर हंसो। बहाने न मिले तो बिन बहाने ही हंसने का अभ्यास करो। और यार तुम ठीक से खोजो तो हर जगह तुम्हें हंसने वाली घटनाएं मिल जाएंगी। अरे कोई फिसल के खेले के छिलके पे गिरे, बढ़िया मौका है हंस लो। लेकिन अब प्रतीक्षा ना करते रहना कि कोई फिसले हो गिरे। हम इतना बेहोशी में जीते हैं, लेकिन अपने पागलपन का, अपने बेहोशी के जीवन का हमें कोई पता नहीं चलता है। मुरारी लाल बस में जा रहे थे, देखा उन्होंने उनका पैर किसी चीज़ से टकराया, उठा कर देखा तो एक गांठ पड़ी थी सुतली वाली, सुतली लपेटी हुई थी एक गांठ। उठाया उसने, देखा ये तो सुतली है। आवाज़ देखने लगे, भाई बताओ ये 10,000 की गड्डी सुतली में बंधी हुई किसकी गरी पड़ी है? अब 10,000 की गड्डी जो सुतली बंधी हुई है, सारे लोग उचक उचक के देख लग रहे, मेरी है, मेरी है, मेरी है। उसने देखा सारे लोग हल्ला कर ना, भाई थोड़ा शांत रहो, अभी तो सुतली ही मिली है, गड्डी खोज रहा हूँ। दो डॉक्टर साहब सैर करने गए थे, देखा सामने से दूर से कोई आदमी लंगड़ाता लंगड़ाता हुआ सा आ रहा है, काफ़ी दूर था। दोनों आर्थों के डॉक्टर्स थे। एक ने कहा मुझे लगता है कि इसकी घुटने की हड्डी में चोट लग गई है, टूट गई है, इसलिए इस तरह से लड़खड़ा के चल रहा है। दूसरे डॉक्टर ने कहा उसकी चाल से मुझे ऐसा लग रहा है कि घुटना तो ठीक है, उसके टखने में चोट लग गई है, टखना टूट गया है। दोनों में शर्त लग गई कौन असली डॉक्टर है। तो दोनों गए और जाकर देखते हैं तो कहते हैं भाई कहाँ चोट लगी तेरे को, कहाँ से तकलीफ है, थोड़ा पास में। उसने कहा मुझे चोट कहीं नहीं लगी, मेरी तो चप्पल ही टूट गई। ये पृथ्वी हंसने वाली घटनाओं से भरी पड़ी है, खोजो। लेकिन तुम्हारी आदत पड़ गई है तो तुम बुरा बुरा ही खोजते हो, शिकायतें खोजते हो, कहाँ गड़बड़ है खोजते हो। जिंदगी में फूल भी हैं, कांटे भी। अगर हमारा ध्यान कांटों पे ही लगा रहता है तो हमारी ज़िंदगी में जो थोड़े से फूल हैं वो भी कांटे बन जाते हैं, अस्तित्व का नियम। लेकिन हमारा ध्यान अगर फूलों फूलों पर लगा रहता है तो ज़िंदगी में जो थोड़े से कांटे हैं वह भी फूल बन जाते हैं। तुम खुद बनाते हो, दृष्टि ही सृष्टि है, क्या देखते हो इस पर निर्भर करता है। इसीलिए भारत का ऋषि कहता है शुभ संकल्प मस्तु, शुभ संकल्प मस्तु, शुभ संकल्प मस्तु। हर ऋचा में चार लाइनें हैं, तीन लाइन खत्म होने के बाद चौथी लाइन है शुभ संकल्प मस्तु, शुभ संकल्प मस्तु, शुभ संकल्प मस्तु। यानी हमारा संकल्प शुभ हो, हमारे विचार शुभ हो, हमारी दृष्टि शुभ हो। शुभ शुभ कर दो, शुभता से भर जाओगे। हंसना शुरू करो, जिंदगी हंसी से भर जाएगी। किस चीज़ पे फोकस करते हो, बात उसी की है, वैसा ही होने लगता है। तुम हमेशा शर्त लगा देते हो कि मेरा अमुक काम हो जाए बस इसके बाद मैं खुश हो जाऊंगा। बस गुरुजी एक ही प्रॉब्लम है, बस बेटी का ब्याह हुआ नहीं कि उसके बाद
मैं सब समस्याओं से मुक्त, उसके बाद तो मैं अपना जीवन आपके मूवमेंट के लिए आपको ही समर्पित कर दूंगा, जो चाहो उस काम में लगा दो। ये तो मैं देख रहा हूँ कई साल से हजारों लोगों ने मुझे इस तरह के प्रॉमिस की है, उनके सबके बेटियों की शादी हो गई, लेकिन आज तक एक भी नहीं आ पाया मेरे पास कि मैं अपने को पूरा पूरा आपको अर्पित करता हूँ, जहाँ चाहो वहाँ लगा दो। सब लोग बताते हैं बस गुरु जी वो तो हो गया आपके आशीर्वाद से, लेकिन ये जहाँ शादी हुई है लड़की को बड़ी तकलीफ है, घर वाले भी तंग करते हैं, और अभी ये है कि 3 साल हो गया अभी कोई बच्चा भी नहीं हुआ है। बस गुरुदेव यही इतना काम ठीक कर दो, यानी एक समस्या खत्म होती है दूसरी पैदा हो जाती है, दूसरी खत्म होती है तो 2-4 और आ जाती है। तुम्हारी जिंदगी की ऐसी समस्याएं नहीं कि एक को आपने लड़भिड़ के काट दिया तो उसके बाद समस्याएं खत्म। ये तो आपने देखा होगा जैसे कोई पेड़ होता है उसकी शाखाओं को पत्तियों को थोड़ा काटते हैं, उसके बाद थोड़े दिन में देखते हैं कि पेड़ और घना हो गया। तो वैसे आप एक एक समस्या को काटते जाते हो और तुम्हारी जिंदगी की समस्याओं का वृक्ष और घना होता चला जाता है, और घना होता चला जाता है। बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि हर आदमी अचानक ही संसार से विदा हो जाता है, और जब डेथ बेड पर होता है तो बहुत दुखी होता है कि पूरी जिंदगी समस्याओं से जूझने में ही लग गई, और यह न छोड़ते कि उन्हीं का ही हाल है, तुम्हारा भी वही हाल है। अंत में अगर तुमने होश नहीं संभाला तो वही हाल होगा, जब डेथ बेड पर आदमी होगा तो यही सोचेगा कि पूरा जीवन व्यर्थ चला गया, सिर्फ समस्याओं से लड़ते लड़ते ये जिंदगी बीत गई। इसलिए मैं कहता हूँ, चाहते हो कि समस्याओं का अंत हो तो समस्याओं की जड़ ही काट दो, एक एक समस्या से लड़ने में मत उलझो, वरना जिंदगी खत्म हो जाएगी, समस्याओं की संख्या अनंत गुना बढ़ जाएगी। तुम डालों को पत्तों को टहनियों को काटते रहोगे ये और घनी होती चली जाएंगी, जो जड़ है समस्याओं की उसको काटो। मैं तुम्हें जिंदगी की समस्याओं की जड़ काटने का विज्ञान देना चाहता हूँ। समस्याओं के वृक्ष की जड़ काट दी तुमने तो तुम्हारी जिंदगी से समस्याओं का अंत हो जाएगा, और कम से कम तुमने ये जीवन जिया, इस शरीर के जाने के बाद भी तुम्हें इतने आनंद से ये बोध रहेगा कि शरीर जा रहा है लेकिन मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं शाश्वत हूँ, मैं हमेशा रहूँगा।